देखिए आज हम देखते हैं, रिव्यू करते हैं कि भाई ये बरदूरे का काम कैसे होता है। ये मक्का में प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये जो आप सामने देख रहे हैं इसको बोलते हैं बाब मक्का। ये मक्का के एंट्रेंस के ऊपर ये बहुत बड़ी किताब बनी, बहुत मरूफ है, बहुत फेमस है, ठीक है। अच्छा ये है कर्व स्टोन है, ठीक है। और ये हमारे पास कर्व स्टोन के साथ ये हमारा है पार्किंग। ये पार्किंग और कर्व स्टोन कैसे लगाया जाता है ये इसको हम लोग आज इसको थोड़ा रिव्यू करके देखते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास रोड है, ठीक है। ये जो रोड है हमारी, यहाँ पे हमारा स्लोप बनता है 1.5 सेंटी के हिसाब से, यहाँ तक आ गया हमारा स्लोप, ठीक है। यहाँ से ये सीधा 1.5 सेंटी तक यहाँ पे हमारे आ गया हमारे पास स्लोप। अब स्लोप से इसके बाद आ गए हम इधर, ठीक है। इसके बाद हम आ गए, ये सबसे पहले ये जो इसको जो है ना स्लीपिंग कर्व स्टोन जो है ना, ये तकरीबन ये जो ये आप देख रहे हैं स्लीपिंग कर्व स्टोन, ये पूरा सीधा खर तक लगा हुआ है, ये इसके बेस पर लगता है। ये जो जो लगा हुआ है, ये जो स्टैंडिंग कर्व स्टोन है, या इसको अरबी में बरदूरा वाकिफ़ बोलते हैं, इसको कैसे किया जाता है कि इसको पहले इसको इधर से दे दिया, ठीक है। इसको इधर से उठा दिए कितना, 1 सेंटी स्लोप के हिसाब से, ठीक है। 1 सेंटी स्लोप यानी यहाँ तक हमारा स्लोप इधर को आ गया, यहाँ पर हमारा स्लोप रिवर्स हो गया, तो यहाँ पर हमारा हो गया 4.5 सेंटी हमारा ये स्लोप हो गया, ठीक है। और 4.5 सेंटी के बाद ये हमारा जो है ना ये तकरीबन ये असफाट से हमने इसको 15 सेंटी जिन ऊपर किया हुआ है, असफाट से 15 सेंटी अगर ऊपर है तो। लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा इंटरलॉक लगा हुआ है, इंटरलॉक, ये इंटरलॉक हमारा यहाँ से 10 सेंटी नीचे है, ठीक है। अगर हमने ये कर्व स्टोन हमने लगा दिया, ठीक है, इसके लेवल हमने बना दिए, या हमें ये समझे कि डिज़ाइनर हमें देता है, ठीक है, ये तो इतना मुश्किल काम नहीं, तो हमें ये समझे कि हमें लेवल मिल गए। लेकिन अभी हमारे पास काम ये है कि हमने ये लगाने, ये जो है ना ये हमने कैसे लगाना है। ये हमारे पास 2 मीटर 2 मीटर और 25 सेंटी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर जो है ना, 2 मीटर 20 सेंटी हमारे पास ये जो साफ जो है ना वो है इंटरलॉक है, और 30 सेंटी का हमारे पास इसकी चौड़ाई है, ठीक है, कर्व स्टोन की। टोटल हमारे पास हो गया कितना, 2.5 मीटर। 2.5 मीटर हमने क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ पर हमने स्टाफ रखा, जो रीडिंग हमने पढ़ी 4 सेंटी इसका स्लोप बन गया 1 सेंटी के हिसाब से, ठीक है, 4 सेंटी स्लोप बन गया। और 10 सेंटी ये यहाँ से डाउन है, 10 सेंटी हमारे इंटरलॉक डाउन है, तो इंटरलॉक के हिसाब से इसको भी 10 सेंटी इधर से ना डाउन कर दिया है, नहीं इससे हमने इसको 14 सेंटी डाउन लगा दिया, ठीक है। तो सिंपली मीटर के हिसाब से पहले हमने इधर ऐसा निशान अपना लगाया, ठीक है, या इसके शुरू में डोरी बांधी और आखिर में डोरी बांधी। तो ये हमारे पास बीच बीच में हमने लिए, ये 2.50 मीटर इधर से लिया, 2.50 मीटर इधर लिया, 2.50 मीटर लिया, आखिर तक 2.50 मीटर हमने लेके, ठीक है, ये पूरे हमने लगा दिए। और इसको इससे डाउन कितना रखा, 14 सेंटी, 4 सेंटी इसमें स्लोप है, ठीक है, ताकि 4 सेंटी इसमें स्लोप आ जाए। और 10 सेंटी ये इससे डाउन है, 10 सेंटी ये हमारा जो है इसके बीच में ये जो डाउन है ये हमारा टोटल 10 सेंटी है। तो इसे 10 सेंटी हम यहाँ पे डाउन कर दिया, इसको इसके साथ फिर मिला दिया, चूँकि ये हम 14 सेंटी नीचे रख चुके थे, तो जब इसको इसके साथ मिला तो ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटी का स्लोप हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इसका ये सिंपल प्रोसेस है, यानी अगर आपको ये इसके तो आपको लेवल ये समझे कि डिज़ाइनर आपको दे देगा, ठीक है, ये आपको लेवल इसके डायरेक्ट मिल गए, ठीक है। फिर ये लगाने के लिए हमने क्या कर दिया, 2.5 मीटर का हमने ऑफसेट ले लिया, ठीक है, 2.5 मीटर का ऑफसेट हमारा बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, ये सारा बाहर की तरफ हमारा 2.5 मीटर ऑफसेट आएगा, अंदर की तरफ हमारा आएगा 2 मीटर 20 सेंटी, 2 मीटर 20 सेंटी का हमने ऑफसेट ले लिया अंदर की तरफ। और फिर जो हमने यहाँ पे रीडिंग पढ़ी है फर्ज़ कर 1.5 हमने पढ़ी है, 1.50, इसको 1.64 कर दिया, यानी 4 सेंटी का इसमें स्लोप हो गया और 10 सेंटी इससे ऑटोमेटिक डाउन हो गया। फिर इंटरलॉक हमारा इधर से इधर इसको जो है ना इसको 10 सेंटी जब इधर से नीचे कर दिया, बाकी इसके साथ मिला दिया। फिर ये जो पीला आपको नज़र आ रहा है, ये जो पीला है, ये आपको पीला नज़र आ रहा है, ये पीला, ठीक है, यहाँ से ये पीला जो है ना एक किस्म का एक डेकोर है, या लाइन भी आप इसको कह सकते हैं। हमने इस गाड़ी से थोड़ी सी इसको इधर पीछे खड़ी करनी है, तो सिर्फ बीच में जो है ना ये 20 सेंटी का हमारा गैप है, फिर ये हमारा पूरा पीला लगा हुआ है। और ये जो हमारा पीला है हमने इसको 1.5 सेंटी के नीचे से उठाया हुआ है, 1.5 सेंटी इसलिए ताकि अगर गाड़ी यहाँ पर कोई खड़ी करेगा तो टायर उसको जो है ना लगेगा, तो उसको ये पता चलेगा कि आप जो है ना ये इसके अंदर खड़े हो, आप जो इसकी जो है वो एक हदूद मुकर्रर की है, ये 6 मीटर की इसकी हदूद है, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ से ये वाली लाइन और ये सामने ये पीली लाइन, ये पीली, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 6 मीटर। तो ये 6 मीटर के बाद हमने ये इसको 1.5 सेंटी की तरफ, इतना तकरीबन 1.5 सेंटी हमने इसको ऊपर की तरफ किया हुआ था कि टायर को ये टच हो और पता चल सके कि भाई आप जो है ना अपनी लाइन के अंदर हो, अपना जो आपका बना हुआ है 6 मीटर का उसके अंदर खड़े हो।
तो ये जो आपका स्टैंडिंग का स्टोन है यानी बरदूरा वाकिफ़ा, अरबी में इसको बोलते हैं बरदूरा वाकिफ़ा और इसको बोलते हैं बरदूरा नाइमा। तो इस बरदूरा नाइमा को इधर से 14 सेंटी डाउन रखते हैं, फिर इसको 10 सेंटी नीचे रख के इंटरलॉक इसके साथ मिलाएंगे तो ऑटोमेटिक इसके अंदर 4 सेंटी स्लोब आ जाएगा और 10 सेंटी हमारा इसका जो इंटरलॉक है हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से फिर अगर आप इसकी खुदाई कर रहे हैं, इसके लिए खुदाई कर रहे हैं, ठीक है, ये मटी के ऊपर है, तो आप क्या करेंगे, 14 सेंटी आपका ये हो गया, ठीक है, 14 सेंटी ये उससे डाउन है, फिर 15 सेंटी इसकी जो है थिकनेस है, इसकी जो चौड़ाई है बरदूरे की वो 14 सेंटी है, 15 सेंटी है, तो 15 और 4 कितना 29 हो गया। ठीक है, 3 सेंटी जो है ना हम लोग फिर उसके नीचे मसाला डालते हैं, मसाला जो है ना इसको मूना बोलते हैं अरबी में, 32 सेंटी हमारे पास हो गया, 10 सेंटी हमारे पास खुदाई हो गई। तो अगर हमने खुदाई की उसको बताना है तो हमने इसको बोलना है कि 42 सेंटी इसको डाउन करो, 42 सेंटी में 10 सेंटी आपकी कंक्रीट आ गई, 3 सेंटी इसके ऊपर जो है ना वो मूना आ गया कि इसको मसाला बोलते हैं, 15 सेंटी आपका जो है ना कर्वस्टोन आ गया, ठीक है, और कितना हो गया ये टोटल, और 14 सेंटी आपका इसमें जो है ना ये जो डिफरेंस है अपने इसको नीचे रखने वाला काम है वो करना है। तो टोटल आप इसको इस हिसाब से समझाएंगे, ठीक है।